हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, 10,000 के नीचे है। दोस्तों ये दोस्तों है तो 10,000 के नीचे, लेकिन इसे आप कंपेयर कर सकते हैं 14-15 हज़ार रुपये का जो स्मार्ट वॉच निकल के आता है। बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है दोस्तों। तो दोस्तों करेंगे इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग। ये है अमेजफिट GTH 2 मिनी जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौम्या, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये आ गया है हमारे पास अमेजफिट GTH 2 मिनी स्मार्ट वॉच जो कि दोस्तों 10,000 से नीचे तो मैंने बोला है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है दोस्तों ओनली 6,999, यानी कि 7,000 रुपये में स्मार्ट वॉच आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका MRP कुछ ज़्यादा है, लेकिन आप अभी अगर अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो दोस्तों आपको ये 7,000 रुपये में मिल जाएगा। और 7,000 रुपये के स्मार्ट वॉच से अगर कंपेयर करें दोस्तों, बहुत सारे भर भर कर फैसिलिटीज़ दिया गया है स्मार्ट वॉच के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले इसे खोल देते हैं। दोस्तों मैंने इसे अनसील कर दिया है, दोस्तों पहले थोड़ा चेक भी करना होता है ठीक है या नहीं। तो दोस्तों इसे हम फिर से खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन सब दिया जाता है, इसे कोई नहीं पढ़ता, सब बताऊंगा दोस्तों, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा घड़ी, स्मार्ट वॉच, बहुत ही अच्छा सा पॉलीथिन में पैक होके आया है। इसे रखते हैं हम बाजू में, बात करेंगे इसके बारे में। और दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर हमें, ये चार्जर जिसके मदद से हम इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। इसे ऐसे अनरैप करना होता है। दोस्तों ये हो गया उसका बेस जहां पे हम स्मार्ट वॉच को रखेंगे। और ये एक USB टाइप पोर्ट है जिसको आप किसी भी अडाप्टर में या फिर अपने लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल इन सबको रख देते हैं साइड में और बात करते हैं सिर्फ ये स्मार्ट वॉच के बारे में। वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देखिए बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों। जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने कि थोड़ा शायद हेवी होगा, जैसे कि मेटल का हमारा होता है, मेटल का बॉडी है दोस्तों, प्लास्टिक का नहीं है, लेकिन फिर भी बैग इसका प्लास्टिक का है, शायद इसीलिए थोड़ा वेट कम है। बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों, आपको नहीं लगेगा आप जैसे पहने हुए हैं। तो इसे फिलहाल मैं पहन लेता हूँ, देखता हूँ कैसे लगता है मेरे हाथ में या फिर मुझे सूट करेगा या नहीं। अच्छा है दोस्तों, देखिए कैसा लग रहा है आपको। अगर दोस्तों आपका रिस्ट मीडियम या स्मॉल है तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, और दोस्तों बड़े रिस्ट वालों के लिए थोड़ा छोटा लग सकता है, फिर भी दोस्तों क्लासी लगेगा। बहुत ही अच्छा ब्लैक का मैंने लिया है, और इसके दो वेरिएंट में अवेलेबल है दोस्तों, ग्रीन और ग्रे करके दो और वेरिएंट अवेलेबल है, आप इसे भी ले सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम ऑन कर लेते हैं। पावर बटन को प्रेस करके रखना होता है, और दोस्तों रखने के बाद आपको एक QR कोड आ जाएगा, और दोस्तों उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में सर्च करना है जेप ऐप, ZEPP जेप। ये दोस्तों आ गया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ओपन दिखा रहा है। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे डिटेल्स आपको मांगेगा, और दोस्तों उसके बाद वॉच ऐड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप वॉच पे के अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे स्कैन विथ QR कोड दिखाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों QR कोड स्कैनर एक ओपन हो जाएगा, और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे जो QR कोड होगा उसे स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉच फेसेस दिया गया है दोस्तों, मैंने ये वाला वॉच फेस रखा है, देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ही कूल आपको चीज़ें दिया जाता है दोस्तों, जो कि आप एक स्मार्ट वॉच के मदद से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनबिल्ड GPS भी मिल जाएगा, और दोस्तों आप इस स्मार्ट वॉच को एक रिमोट कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर्स दोस्तों बहुत सारे स्मार्ट वॉच में दिया नहीं जाता है, यहाँ पे है दोस्तों रिमोट कैमरा और GPS, बहुत सारे स्मार्ट वॉच में आपको देखने को
में नहीं मिलता, अंडर 10,000 के बारे में बात कर रहा हूँ, 15-16,000 का जो स्मार्ट वॉच आता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 7,000 रुपये के स्मार्ट वॉच में ये सारे चीज़ मिल रहे हैं। और दोस्तों उसके अलावा आप अगर लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 16 स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप का। और दोस्तों साथ ही साथ ये लॉक बटन को प्रेस करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें खुल जाता है, जैसे एक्टिविटी गोल, PAI, हार्ट रेट दोस्तों आप मॉनिटर कर सकते हैं इस वॉच के मदद से। मेजर को क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि आप अपने हाथ को स्टिल रखेंगे, हिलाएंगे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों ये हो गया मॉनिटर। और दोस्तों ऐसे ही आपको यहाँ पे स्लिप ट्रैकिंग वगैरह देखने को मिलेगा, वर्कआउट हिस्ट्री, SPO2 दोस्तों यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं, मेजर वाला जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके आप मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ स्ट्रेस मॉनिटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आप कितने स्ट्रेस में है देख सकते हैं। और ब्रीदिंग भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ साइकिल ट्रैकिंग, अलार्म सेटिंग और मोर में दोस्तों आपको वो सारे चीज़ देखने को मिलेगा जो कि एडवांस्ड है दोस्तों, जैसे करके म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे आप कर सकते हैं। और दोस्तों स्टॉपवॉच वगैरह, काउंटडाउन वगैरह मिल जाता है, साथ ही साथ कंपास, कैमरा रिमोट जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। और फाइंड फोन, अगर आपका फ़ोन से ये पैर है तो दोस्तों देखिए, फोन अगर मेरा मिल नहीं रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ये फाइंड फोन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों मेरा फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट। देखिए तो यहाँ पे अगर फोन मिल जाए तो कैंसिल करके काट देंगे। दोस्तों AMOLED का डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया उसका टच रिस्पॉन्स है, बहुत फास्ट ही दोस्तों रिस्पॉन्स करता है। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा हटके दिया गया है इसी MHP GTS 2 मिनी में। और दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं आपको इसके स्टोर के अंदर। यहाँ पे अगर एंजॉय में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों वॉच फेसेस करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पे जाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट आपको वॉच फेसेस मिल जाता है। आप अपने मूड के हिसाब से या अपने कॉस्ट्यूम के हिसाब से, जो भी कलर का आप ड्रेस पहने उस हिसाब से भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। देखिए मैंने अभी ये वॉच फेस को सेट करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक नया वॉच फेस डाउनलोड करना है तो दोस्तों इसका जो इनबिल्ड 2 दिया जाता है किसके ऊपर तो ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा स्मार्ट वॉच में नहीं रहेगा, आप भले ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हो गया। और ये जो AMOLED होने के वजह से यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिलता है। हाँ दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे कि आपके सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलता है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले मिल जाता है, जो थोड़ा मिनिमलिस्टिक एक वॉच फेस करके आएगा, ज़्यादा बैटरी नहीं लेगा लेकिन दोस्तों अच्छा लगता है। देखिए और ऐसे जब मैं टिल्ट करूँगा तो दोस्तों ये आ गया हमारा नॉर्मल वॉच। देखिए ओके तो दोस्तों यही सब था इस स्मार्ट वॉच के बारे में, बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है दोस्तों, सभी चीज़ आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ रिमोट कैमरा और GPS, इनबिल्ड GPS जो कि काफ़ी सारे स्मार्ट वॉच में दिया नहीं जाता है, और AMOLED का डिस्प्ले है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सही दिया गया है। आखिर में 7,000 रुपये में दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट वॉच है। दोस्तों मुझे तो रिव्यू के लिए कोई चीज़ मिलता नहीं है तो मैंने इसे खरीदा है, तो मान लीजिए दोस्तों सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच है इसीलिए तो मैंने खरीदा है। तो दोस्तों आपको ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा, Amazfit GTS 2 मिनी, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिए। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।